सर आप देख रहे हैं सीधा नगर निगम से, यहाँ पर आज राजस्थान सरकार राजस्थान दिवस के उपलक्ष्य में देखिए आज स्कूटी वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। और राजस्थान सरकार एकमात्र ऐसी सरकार है जो इस प्रकार से दिव्यांगों के बारे में नहीं, आम गरीब के बारे में भी सोचती है। सरकार ने वो कर दिखाया जो किसी भी कल्याणकारी राज्य ने आज दिन तक नहीं किया है। कभी सुना था हमने कि साइकिल के लिए भी लोग भटकते रहते थे, उनको साइकिलें नहीं मिलती थी, समाज कल्याण में बजट नहीं होता था। आज देखिए समाज कल्याण विभाग इतनी बड़ी स्कूटी जो है कि 1 लाख रुपए की स्कूटी है, 1.5 लाख की स्कूटियां हैं, वो आज इन दिव्यांग भाई बहनों को जो है वो दी जा रही है। कहीं ना कहीं एक सकारात्मक प्रभाव यहाँ पे पड़ रहा है। जिन दिव्यांग भाई बहनों ने कभी खेल नहीं देखे थे, उनको सरकार खेल प्रतियोगिता के माध्यम से इनको खेल खिलाकर आगे बढ़ाने का काम कर रही है। जिन दिव्यांग भाइयों ने कभी स्कूल नहीं देखे थे, उनको स्कूल से जोड़ा जा रहा है, हाई एजुकेशन से जोड़ा था। जिन भाई दिव्यांग भाइयों ने कभी नौकरी नहीं देखी थी, उन पे दिव्यांग भाई बहनों को नौकरियां तक दी जा रही है। यानी सरकार की, राजस्थान सरकार हम कह सकते हैं एक कल्याणकारी राज्य के रूप में उभर रहा है। हमारे यहाँ नगर निगम में एक दिव्यांग भाई पार्षद भी है राजेश जी, जो कि खेमपुरा से है और वो पार्षद भी है। मैं तो कहता हूँ कि आने वाले समय में दिव्यांग भाई को तो MLA का टिकट दिया जाए, दिव्यांग भाई बहनों को मैं कह रहा हूँ सांसद बनाया जाए, ताकि ये भाई भी अपने जीवन में और भी वृद्धि कर सके और दिव्यांग होकर दूसरों की सोचते। सिस्टम में जाना पड़ेगा, अगर सिस्टम में हमारे भाई जाते हैं तो कल्याणकारी राज्य और कल्याणकारी समाज की स्थापना कर सकते। कैसा लग रहा है? बस सर मज़ा आ रहा है, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत बहुत शुभकामनाएं। नई चकाचक स्कूटी आपको मिली है और देखिए बिल्कुल एकदम चकाचक, एकदम लाल कलर। कैसा लगा भाऊ जी? बहुत अच्छा लगा। ये गाड़ी क्या थोड़ी एडमिट जाए तो ये थोड़ा सही कराओ। तो राजस्थान कल्याणकारी राज्य की जो है स्थापना हो रही है। देखिए किस प्रकार से दिव्यांग भाई को निशुल्क ये पूरी स्कूटी वितरित की जा रही है, कोई पैसा नहीं है, एक चवन्नी का भी खर्चा नहीं है, नाम पे कराने का भी खर्चा नहीं है। पूरी बहुत शानदार अच्छा काम जो हो रहा है। देखिए देखने के लिए भी बहुत सारे हमारे दर्शक आए हैं। क्या देख रहे हैं? देख रहे हैं विकलांगों को स्कूटियाँ वगैरह वगैरह। बहुत बड़ा नगर निगम है। स्वयं मान दादा सिंह जी इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, डायरेक्टर साहब, और स्कूटी दे रहे हैं, और विभाग के हमारे कर्मचारी भी यहाँ मौजूद है। जी सर, कितनी खुशी हो रही है आज इसको इतने देख रहे हैं, कितनी हर चेहरे पर मुस्कान। और ये मुस्कान इसीलिए मिली कि पूरे प्रदेश में, पूरे हिंदुस्तान में एकमात्र राज्य राजस्थान जिसने इतना ये स्तर दिखाया। बहुत बहुत धन्यवाद, पूरे विभाग का धन्यवाद, कलेक्टर साहब का धन्यवाद, और आपने इनकी आगे बात पूछे उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज इनको देखिए कितनी मुद्दे से देखिए ये स्कूटी पूरा स्कूटियों से खाचा खच भरा हुआ है और सभी खुश हैं कि चलो हमारे नजरों के सामने एक अच्छा काम हो रहा है ना। सभी भाइयों को मिल रही है, इंतजार है कि बस मैं कब गेयर लगाऊं और कब बाहर निकल जाऊं। कितनी जल्दी है? नहीं नहीं कोई जल्दी नहीं, फटाफट जाऊं और अपने मोहल्लों को भी दिखाऊं, घर वालों को भी दिखाऊं, आ गया हूं मैं। इतने दिन लोग कह रहे होंगे अरे यार कब लाओगे यार स्कूटी, कब लाएगा, ले आ गया हूं। इंतजार तो बहुत किया है, 6 महीने से जाग रहा है स्कूटी आएगी, यकीन था कि आराम भरा स्कूटी मिलेगी। और अशोक साहब मुख्यमंत्री साहब का बहुत बहुत धन्यवाद है, उन्होंने ये योजना के अंतर्गत विकलांगता को दिव्यांग वालों को ये स्कूटी प्रदान करी है, जिससे हमें बहुत सारा आने जाने में सुविधा हो जाएगी। एक हाथ में है और जल्दी से कैसे बाहर निकल जाऊँ फटाफट, घर पे बता तो मिल गई। ये है राजस्थान कल्याणकारी राज्य, गहलोत साहब ने बहुत अच्छी सुविधा दी है। अधिकार क्षेत्र साहब जी रहे हैं, हेलमेट पहना कर सभी का माला भी पहनाई जाए। पूरी लाइन लगी हुई है, इंतजार हो रहा है कब हम जाए। तो राजस्थान में कल्याणकारी राज्य की स्थापना और बरसात भी होने लगी, देखिए मेरा भी आ गए हैं, बरसात होने लगी है और एक तरफ हमारे भाई स्कूटी लेकर अब निकल रहे हैं। तो सभी को स्कूटी की बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं, राजस्थान दिवस की बहुत बहुत, रामनवमी की बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं, नए वर्ष की बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं।
आपके जीवन में मंगलमय हो और इस प्रकार से हर मुख्यमंत्री अपना जिम्मेदारी निभाए और इस प्रकार राज्य की स्थापना करके गरीबों और जो जरूरतमंद है उनको सुविधाएं करें। एक कल्याणकारी राज्य उसी को कहते हैं जो इस प्रकार की व्यवस्थाएं करता है। बहुत बहुत धन्यवाद।